Now, dear students, now we are having this question. This question is related to correction of eye. Chapter to light है, उसी का question है. 2020 and 21 AMU 11th and Diploma Engineering combined entrance test का question है. Question में पढ़ रहा हूँ. The far point of a myopic person. Myopic person का क्या मतलब है कि near sightedness है. पास की चीजें नजर आती हैं, दूर की नहीं नजर आती. ठीक है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा आई लेंस के दब जाने की वजह से होता है. दब जाने का मतलब क्या है कि उसकी फोकल लेंथ कम हो जाने की वजह से होता है. ठीक है, ये बातें नोट करने वाली है. इस 50 सेंटीमीटर, तो बेसिकली फार पॉइंट का मतलब क्या है कि फार पॉइंट का मतलब ये है कि जो चीजें दूर की पहले दिख रही थी इसको, अब वो मैक्सिमम दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर तक की दिखेगी इसको. उसके बाद वाली चीजों को जो इमेज होगी वो आगे बढ़ेगी. अभी हम देखेंगे किस तरीके से इमेज बनती है. इन फ्रंट ऑफ द आई, इन फ्रंट ऑफ द आई बन रही है. जाहिर सी बात है, जो हमारा रेटिना है जहां इमेज बननी चाहिए उसके थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेगी. द पावर ऑफ द लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट. तो डॉक्टर सबसे पहले ये निकाल लेते कि फार पॉइंट क्या है. फार पॉइंट अगर 50 सेंटीमीटर है तो हमें बेसिकली कौन सा लेंस इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये मायोपिक पर्सन है. ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम पहले, जिससे कि आपको थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी. सबसे पहला पॉइंट जो लिखने वाला है कि क्योंकि मायोपिक पर्सन है, दैट मींस नियर साइटेड है. नियर साइटेडनेस है, यानी सिर्फ पास की चीजें नजर आएंगी, दूर की नजर नहीं आएंगी. नियर साइटेडनेस है, पास की चीजें नजर आ रही हैं, दूर की नजर नहीं आ रही. कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं इसके लिए हम? इसके लिए हम कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करते हैं. क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हमें रेस को डाइवर्ज करना है, कन्वर्ज नहीं करना. ठीक है, तो यहां पर मैं ये भी लिख देता हूं कि डाइवर्जिंग लेंस का हमें इस्तेमाल. ओके, तीसरा पॉइंट, कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है भाई? कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. तो इसकी पावर किसके बराबर होगी? पावर होती है 1/4 फोकल लेंथ. तो ये भी बेसिकली नेगेटिव होने वाली है. तो इससे ये पता लगेगा कि ये दो ही आंसर होंगे इसके, -2.0 डिप्टर एंड -6.0 डिप्टर. तो इन दैट वे वी आल्सो क्लासिफाइड आंसर. तो हमारे पास ये पता है हमको कि दो आंसर होने वाले हैं. सवाल तो एक सेकंड का है, लेकिन मैं चाहता हूं इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं. अब देखिए, ये एक फिगर है. पहली जो ये पहली फिगर है, ये वाली, ये बेसिकली डिफेक्टेड आई है. ये कैसी आई है? डिफेक्टेड आई. तीनों ही डिफेक्टेड आई है. डिफेक्शन इसके अंदर क्या है? ये मायोपिक है. क्या है? मायोपिक. मायोपिक क्या होती है कि आप इस लेंस को गौर से देखिए, जो लेंस बना हुआ है, ये लेंस बेसिकली ऊपर से प्रेस हो चुका है. ऊपर से प्रेस हो चुका है. ऊपर से प्रेस होने की वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई, वरना ये और पतला होता है. ऐसे इतना पतला होता है, बात समझ में? ये चौड़ा हो गया. आप देखें कि यहां से ये बेसिकली चौड़ा हो गया. इसके चौड़ा होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो पैरेलल रेज यहां से आती थी, तो पहले इसका फोकल पॉइंट जो बनता था वो यहां बनता था, एग्जैक्ट रेटिना पर बनता था. लेकिन क्योंकि ये ऊपर से दब गया, बीच में से चौड़ा हो गया, तो इसका जो फोकल पॉइंट पहले यहां पर था वो यहां से खिसक के आगे की तरफ आ गया. तो पैरेलल रेज यानी फार डिस्टेंस से जो रेज आ रही थी, अब उनकी जो इमेज है रिलैक्स आई की, वो कहां बनेगी? वो यहां. बात समझ में? रिलैक्स आई की इमेज कहां बननी चाहिए थी? रेटिना पर बननी चाहिए थी. हेंस इट इज डिटरमिन्ड दैट दिस इज ए मायोपिक आई. आगे बढ़ते हैं. मायोपिक आई में कौन सी चीज नजर आएगी? मायोपिक आई में वो चीजें नजर आएंगी जो आंख के पास है, और इसको आंख के लेंस से वो पॉइंट जहां तक की चीजें इसको नजर आ रही है उससे दूर की नहीं आ रही, इसको हम बोलते हैं फार पॉइंट. वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक की इसको डिस्टेंस नजर, जहां तक की इसको चीजें नजर आ रही, इसको बोलते हैं हम फार पॉइंट. तो होता क्या है कि ये पास से जो रेज आती है वो क्योंकि पैरेलल नहीं आती, वो एक एंगल पर आती है. आप यहां पर देख सकते हैं कि ये एक एंगल पर आ रहे हैं, समझ में? क्योंकि ये एंगल पर आ रही है, इसलिए अब ये यहां पर नहीं मिलेंगी, बल्कि यहां से हटकर यहां पर मिलेंगी. तो
without any problem, the image will be shifted from a defected point, from a unfavorable point to the retina. तो पास वाली जो चीजें हैं वो तो रेटिना पर दिख गई हमको, बात समझ में। लेकिन जो रेज पैरेलल आ रही हैं, जैसे पहली वाली उसमें बात कही थी, वो कहां पर आएंगी? वो तो आगे की तरफ बन जाएगा उनका इमेज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम रेज को ऐसे भेजना चाहते हैं आंख में कि ऐसा एंगल हो। देखिए ध्यान से, हम पैरेलल नहीं भेजना चाहते रेज को, ऐसे नहीं भेजना चाहते, हम रेज को ऐसे भेजना चाहते हैं आंख के अंदर, ताकि जो ये आफ्टर दी रिफ्लेक्शन पहले इमेज बन जा रही थी वो रेटिना पर चली जाए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक कौन सा लेंस लगा दिया, हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया, क्योंकि कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर देता है। तो पैरेलल रेज को इसने क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। और इसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये फार पॉइंट से आ रही है, जो कि फार पॉइंट यहाँ पर कितना दे रखा है, अगर इस पर्सन की हम बात करेंगे तो फार पॉइंट यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ऐसा लेंस लेंगे जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, बात समझ में आ गई, ताकि आपको ये लगे कि ये 50 सेंटीमीटर से ही आ रही है, ठीक है। तो यहां से और यहां तक की जो इसकी फोकल लेंथ होगी, ये बेसिकली एफ विल मस्ट बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, तो ये कैसी होगी, ये निगेटिव। इतनी सी बात है सर। तो लेंस लगाने से डाइवर्ज हो जाती है रेस, डाइवर्ज होने की वजह से अब आगे की तरफ नहीं बनती इमेज, अब रेटिना की तरफ बनती है। तो दूर की चीजें हमें रेटिना पे दिखेंगी, तो दूर की चीजें देखने के लिए लगाएंगे ये हम इस तरह का लेंस, पास की चीजें देखने के लिए तो हमें जरूरत ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पावर निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ हमको पता है, पावर निकाल लेते हैं। व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, देखिए यहां पर फार पॉइंट दे रखा है 50 सेंटीमीटर है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो ये बेसिकली कैसा है, ये नेगेटिव है बेसिकली, बात समझ में, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ मस्ट बी इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, और इसको मैं लिख सकता हूँ -0.5 meters फोकल लेंथ। अब पावर निकाल लेता हूँ, पावर किसके बराबर होती है, 1/ फोकल लेंथ बराबर होती है। तो 1/0.5 और ये माइनस का साइन और मीटर, तो पर मीटर में पावर जब लिखी जाती है तो उसको हम डिप्टर बोल देते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू -2.0 पर मीटर और -2.0 डिप्टर। सो दिस इज द आंसर, पावर ऑफ द लेंस मस्ट बी इक्वल टू -2.0 डिप्टर। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर इसका सी होगा, इसको याद करें, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके।